मध्य प्रदेश में पटवारी रिश्वत भी ईमानदारी से लेते हैं, चाहे भले ही लगभग तय रकम आपने दे दी हो, लेकिन जब तक बकाया रकम नहीं आती जमीन का सीमांकन भी नहीं करते। ऐसा ही एक रिश्वतखोरी का मामला डिंडौरी से सामने आया है, जहां परेशान किसान ने पटवारी पर आरोप लगाए हैं कि सीमांकन के नाम पर पटवारी ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी, बकाया 3,000 ना मिलने पर जमीन का सीमांकन नहीं किया गया। डिंडोरी एक आदिवासी बाहुल जिला है, जहां गरीब भोले भाले आदिवासी निवास करते हैं। यहां ज्यादातर लोगों का जीवन खेती किसानी से चलता है, मगर राजस्व विभाग के पटवारी गरीब किसान की भूमि का सीमांकन करने के नाम पर रिश्वत में रुपयों की मांग करते हैं, जो गरीब आदिवासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। आदिवासी किसान रोज परेशान होते हैं, जिसका एक मामला बजाग तहसील कार्यालय से सामने आया है, जहां पटवारी शेर प्रताप ठाकुर ने भूमि स्वामी पतिराम सुन्हा दादर निवासी की भूमि के सीमांकन हेतु आसपास के अन्य किसानों को पत्र लिखकर उपस्थित रहने की सूचना दी थी, लेकिन उपस्थिति की तारीख तक भूमि स्वामी इस किसान पतिराम सुन्हा दादर रिश्वत के तय रकम 10,000 में से पटवारी को 7,000 रुपए दे पाए। किसान को बकाया 3,000 रुपए और देने थे, जो वो नहीं दे पाए। फिर क्या था बकाया 3,000 के चलते पटवारी ने किसान की भूमि का सीमांकन करने से इनकार कर दिया। सुन्हा दादर से आया हूँ और फिर ये नपाइज की वजह से मेरा संकट है साहब। तो नपाई की वजह से पटवारी का है कि पांचों मेड़ का मैं निराकरण करके आपको देऊंगा, कहा 7,000 रुपये दिया था। अब क्या रिकॉर्ड ख़राब है कहा, तो फिर नहीं ना पे है तो कल कितना 24 तारीख को फिर पैसा वापस किया। आपको बता दें कि भूमि का सीमांकन ना होने से परेशान किसान पतिराम अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक गया और पूरे मामले की शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते को लिखित में दी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मामले को संज्ञान में लेकर पटवारी से बात किया तो पटवारी ने बात को गोलमोल करना शुरू कर दिया। वहीं शिकायत से चिढ़े पटवारी शेर प्रताप ठाकुर ने किसान से लिए रिश्वत के 7,000 रुपए वापस कर दिए। साथ ही किसान को धमकी भी दी कि तुम्हें जहां लगे शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। इस मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते किसान को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय बजाग पहुंचे, जहां पर पटवारी की शिकायत एसडीएम से की और जांच कर 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो किसान उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा एक आवेदक पतिराम के साथ में सुना दादर का है कि उन्होंने पटवारी को पैसा दिया है और उसके बाद भी उसका सीमांकन कार्य नहीं किया गया। ये आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है, अभी मैंने इसके लिए टीम बना रहा हूँ। मैं तहसीलदार साहब को भेजूँगा जाँच के लिए, अभी इसके बारे में जाँच होने के उपरांत पता चलेगा कि क्या कार्रवाई। अगर जांच नहीं की जाती तो मैं शेर प्रताप सिंह अभी सुनादादर पंचायत में पदस्थ से, उसके बाद उसके पहले और भी जिन पंचायतों में पदस्थ से बजाग ब्लॉक में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, मैं इसमें सभी गांवों में पंचायत लगाऊंगा, सभी गांवों के जो उनकी कार्यप्रणाली थी उसको प्रूव करके दिखाएंगे हम लोग, और सभी गाँव के लेकर बहुत बड़े रूप में एक जन आक्रोश आंदोलन भी करेंगे हम लोग। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं किसानों से जुड़ी हुई बात है, ये हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है डिंडोरी जिला, और बजाग आप देख रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। यहाँ के लोग अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत से परेशानियों का सामना करके और अपना जीवन जीते हैं, और किसान सम्मान निधि का राशि जो है इनके जीवन अच्छा चल सके, खेती किसानी बीज बाहरी का काम अच्छा कर सके, इसलिए दिया जाता है, ना कि पटवारियों को ये पैसा निकाल कर घूस के तौर पर दिया जाए इसके लिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।